योगी सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ए के शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस की बजाय बीजेपी वोट देकर आर के सिंह पटेल को भारी मतों से विजय बनाए और इस लोकसभा में बीजेपी को वोट देकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। प्रदर्शन होगा अच्छा लोकसभा में, निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन होगा और हमारे प्रत्याशी आर के सिंह पटेल जी बहुत ही भारी मतों से बबेरू में भी लीड करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार जितनी मार्जिन से जीते थे, मुझे लगता है कि उसकी दोगुनी मार्जिन से इस बार ये जीतने वाले हैं और उसमें सभी विधानसभाओं में इनकी लीड बढ़ेगी। कांग्रेस आज से नहीं, हमेशा से ही कंफ्यूज्ड पार्टी रही है और परिवार के बाहर वो देख नहीं पाती है कि कोई समस्या उनकी आंतरिक है, लेकिन मुझे जो लगता है वो इसलिए लगता है कि उनको रायबरेली में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल नहीं रहा है, पूरे अमेठी में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। परिवार के ही लोगों को लड़ाना है, स्वाभाविक बात है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सीटें प्राप्त कर रही है, जो दो चरण के चुनाव हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो विजय रथ है वो उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम 400 पार का आंकड़ा प्राप्त करने जा रहे हैं। जो लोग कोविड की वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो आज कहते हैं कि हम बड़े साइंटिफिक ढंग से बातें कर रहे हैं, उस समय क्या कर रहे थे जब वो उसका दुष्प्रचार कर रहे थे, तो इसलिए इनकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं। बताया कि चित्रकूट बांदा बुंदेलखंड में बेरोजगारी का प्रश्न था, आने जाने के रास्ते का प्रश्न था। उन लोगों ने 70 साल शासन किया, क्यों नहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिया। उन्होंने 70 साल शासन किया, उसमें समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा समय काल था, 4-4 बार सरकारें बनी, एक ही पार्टी एक ही परिवार की 4-4 बार सरकारें बनी, क्यों नहीं उन लोगों ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ लगा दिया जिससे कि लोगों को रोजगारी मिले। सो सूर्य भगवान बुंदेलखंड में हजारों लाखों जब से सृष्टि है तब से यहाँ चमकते हैं, तब से यहाँ अपनी ऊर्जा देते हैं, गर्मी देते हैं, क्यों नहीं उन लोगों ने सोचा कि यहाँ जो है यहाँ सोलर पार्क विकसित कर दिए जाएं। ये लोग खाली जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इन्हें काम करना नहीं है, जनता की सेवा नहीं करना है, जनता अब इन्हें अच्छी तरह से समझ। उत्तर प्रदेश के जालौन कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूब लाठी डंडे चले। इसी बीच करीब 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं भी गंभीर घायल हो गई। वहीं घायलों को नजदीक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 गंभीर घायलों को रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जालौन जिले में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि आए दिन किसी न किसी घर को चोरी का निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिंडारी में चोरों ने घर की दीवार तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर में रखे नकदी सहित लाखों के सोने चांदी जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने बताया कि चोर इससे इतने शातिर थे कि कमरे में जमीन के अंदर रखे जेवरात को भी खोद कर निकाल लिया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। कोई नहीं था बकरी में, हम लोग सब लोग थे। गर्मियों की वजह से आप लोग आग में लेटे थे, दीवार तोड़ करके चोरी हुई। हमें कोई पता नहीं था। क्या क्या सामान चोरी चला गया आपको? दो मंगलसूत्र थे और नथ थी, बेंदी थी, दो जोड़ी मोटी मोटी पायलें थी और 250 ग्राम की अलग और 8-9 भरी और थी। जेवर पूरा चोरी हो? पूरा जेवर, कम्बल की हती
माल बच्चे की चीजें थी सब सब चल रही। पैसा भी था कुछ? पैसा 25,000। क्या नाम है चाचा? कमलेश। अच्छा कमलेश जी, आपके यहाँ क्या घटना हुई? चोरी हो गई सब के पूर की और पैसे ले गए। क्या क्या सामान चोरी चला गया, कब जानकारी हुई आपको? हमें जानकारी सुबह हुई, सामान को सब डिलीवर की था, पैसे भी थे और ले गए सब। क्या था जेवर में? क्या था जेवर में? मंगलसूत्र था, बेंदी थी, नख थी, बेसर थी, कानन के थे जो चौक से, और पायलें थी, हापीटी थी, और छोटी छोटी चैने थी। जेवर था सब? हाँ, पूरा जेवर ले गए। अच्छा, जिस कमरे में चोरी की है उस कमरे में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं था सर। रहता नहीं है कोई? कोई नहीं, कोई नहीं था। दीवाल तोड़ करके चोरी की है? दीवाल तोड़ करके चोरी। आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा। लगभग कितनी कीमत रही होगी इन सामान की? कीमत ये भी समझ लो 2 लाख को था। अच्छा, कैश भी था कुछ नकली? कैश भी था 25,000 रुपये नगद, चांदी की कल्लार थी भी थे उसमें। लगभग जो है 2 लाख रुपए के जो है सामान की कीमत थी। 2 लाख पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, सूचना दी, फोन लगाया था, सो आई थी पुलिस, इंक्वायरी कर गई साहब, चली गई। सुबह जानकारी हुई आप लोगों को? चोरी जानकारी हुई, कोई नहीं था।